एवरीवन, गुड इवनिंग फ्रॉम ओहायो कोलंबस। सो गाइस, आज है वेडनेसडे और टाइम हो रहा है 4:50, राइट डुगू? यस, टाइम हो रहा है 4:50 और अभी मैं डुगू को लेके घूमने आई हूँ, मतलब खेलने लेकर आई हूँ। घर पे बेचारा बहुत बोर हो रहा था और आप देख सकते हो कि मैं उसका हाथ कितना जोर से पकड़ी हूँ क्योंकि वो बॉल फेंक रहा है बाहर। तो गाइज, जैसे कि बताना चाहूँगी, आप लोग मेरे इतने सारे ब्लॉग्स में लाइक कर रहे हो, व्यूज कर रहे हो, थैंक यू ये सब के लिए गाइज। तो मैं तो जो कि मैं डुगू को खेलने के लिए लेकर आई हूँ और ये हमारे बैक साइड एरिया में लाई हूँ और डुगू खेल चुका है, उसको मैं साइकिलिंग भी थोड़ा कराई हूँ, सब कुछ किया है। अभी मैं उसको लेके थोड़ी देर बाद शाम होते ही मैं उसको लेकर जाऊंगी। तो गाइज, आपको सबसे पहले बताना चाहूंगी थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी। और भी मैं अच्छे अच्छे ब्लॉग्स लाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ एंड यूट्यूब में मैं जितनी ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी मैं एक्टिवेट हो रही हूँ। तो गाइज, मेरे सारे वीडियोज़ को अब ऐसे ही लाइक करो, शेयर करो। थैंक यू फॉर एवरीवन फॉर सपोर्टिंग मी। गाइस, डुगू दोपहर में सोया नहीं है, उसको थोड़ा सा नींद आ रहा है। जब लोग उसका आँख को देख सकते होंगे कि वो थोड़ा सा नींद में है, बट मैं उसको अभी नहीं सोलाना चाह रही हूँ ताकि वो रात में जल्दी से जल्दी सो सके। ओ नोनो बेटा, ये ना सेफ नहीं है, दिस वन इज नॉट सेफ। ओके, चलो मम्मा ना दूसरा चीज देगी। फ्रेंड्स, तो जैसे कि मैं डुगू को अभी बाहर अंदर लेके गई थी, बट उसको बिल्कुल भी अंदर जाने का दिल नहीं है बिकॉज़ वो बहुत दिन के बाद ऐसे खेलने निकला है और उसको भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैं सोची कि थोड़ा उसको मैं ऐसी वॉक करा देती हूँ, तो मैं उसको थोड़ा वॉक करा रही हूँ और उसको बहुत अच्छा भी फील हो रहा है। इनफैक्ट मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं बहुत दिन के बाद मैं डुगू को लेके सितंबर टाइम पे मैं उसको लेके ऐसे निकलती थी और उसके बाद अक्टूबर में ठंड आ गया तो नहीं निकल पाती थी। तो अभी जैसे कि थोड़ा अच्छा लग रहा है तो मैं भी इंजॉय ले रही हूँ अपने बेबी के साथ में। देख सकते हैं डुगू किस तरीके से मेरे हाथ को पकड़ा हुआ है ताकि मम्मा इसको छोड़े ना। बेटा गारंटी रहो, मम्मा तुमको नहीं छोड़ने वाली है। और तो मैं डुगू को लेके ऐसे ही घूमने निकल सकती हूँ मस्त वे में। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है कि डुगू का टाइमिंग टाइम टेबल जो है स्लीपिंग टाइम
वो ठीक हो जाएंगे, क्योंकि इस विंटर में क्या होता था कि वो अपने हिसाब से सोता था, अपने हिसाब से उठता था, जिसके वजह से मेरा हेल्थ पे बहुत इफ़ेक्ट होता था। और डुगू को सुलाते सुलाते मुझे अराउंड मॉर्निंग 4 हो जाते थे, कभी 4:30 हो जाते थे, और सब प्रॉब्लम बहुत होते थे बहुत। और फिर मुझे अराउंड सुबह में 9:30 कभी 10 तक में मुझे उठना पड़ता था, मेरा बहुत हेडेक होने लग जाता था। अब मैं थोड़े रिलीफ महसूस कर रही हूँ कि डुगू को अब मैं धीरे धीरे उसको टाइमिंग में मैं सेट करूँगी। विंटर समर में क्या है कि उसको मैं थोड़ा लेके बाहर घूमूंगी, लेके उसको बाहर खेलने जाऊंगी, तो क्या है कि वो आपका वहाँ से थक कर आएगा, मैं उसको जल्दी से डिनर करा के उसको मैं सुला दूँगी। तो ये मैं अभी मुझे सीरियसली आपको मैं बता नहीं सकती हूँ कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और डुगू को लेके मैं पूरी कॉलोनी में घूम रही हूँ। डुगू चलो हाय करो चपकू। तो चलिए गाइस आपको मैं दिखाती हूँ थोड़ा अपना कॉलोनी। अच्छा तो आप लोग बहुत बार देख चुके हो, विंटर के टाइम पर जब भी कार में घूमने जाती थी तो मैं आपको थोड़े से व्यू कराई हूँ, बट अभी मैं आपको बाय वॉकिंग वे में कुछ कुछ इंटरेस्टिंग प्लेस दिखाती हूँ, ठीक है। तो गाइस जैसे कि आप लोगों को बताना चाहूँगी, ये है हम लोगों के एरिया का, मतलब हमारी सोसाइटी का मेल बॉक्स। तो जितने भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, एडवर्टाइजमेंट पेपर्स जितने भी रहते हैं सब इसी मेल बॉक्स में आते हैं। गाइस जो हमारे आप जो मेरे पीछे देख रहे होंगे ये ग्रीन ग्रीन टाइप में जो शीट लगा हुआ है, ये इस हम लोगों के जैसे कि सोसाइटी के स्विमिंग पूल एरिया है, यहाँ पे सभी आके स्विमिंग कर सकते हैं जो इस सोसाइटी से है। तो ये अभी फ़िलहाल विंटर की वजह से इसको बंद कर दिए गए थे, और वहाँ पे आप देखिए वहाँ के गेट भी क्लोज कर किए हैं। तो जैसे समर आते हैं तो ये मतलब कि स्विमिंग पूल एरिया खुल जाएंगे, और मैं सोची हूँ कि मैं डुगू को लेके यहाँ भी आऊँगी, उसको लाइफ जैकेट देके उसको थोड़ा स्विमिंग करना सिखाऊँगी, क्योंकि यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे लोग भी स्विमिंग बहुत अच्छे से करते हैं। और इसके जस्ट पीछे मैं बैक कैमरा करती हूँ, वेट। तो ये आप देख सकते होंगे ये स्विमिंग पूल के साथ ही है, बट ये जिम एरिया है। मैं किसी दिन अपनी फ्रेंड्स लोगों के साथ आऊँगी तो आपको जिम का टूर भी करवाऊँगी। तो इसके एंट्रेंस ऑपोजिट वे में है, इस साइड से भी जाते हैं लोग बट ऑपोजिट वे में भी है, तो बहुत लोग जिम भी यूज़ करते हैं। और मुझे फ्रेंड्स ये आपको ब्लू बोर्ड दिख रहे हैं, ऑब्वियसली दिख रहे होंगे। तो जैसे कि आपको मैं बताना चाहूँगी, यहाँ पे जो ये जो ब्लू बोर्ड है ना, यहाँ पे जितने भी हम इस सोसाइटी के जितने डस्टबिन एरिया है, जो भी गार्बेज होते हैं ट्रैश, सब यहाँ पे ही आके करते हैं। तो मैं सोची हूँ कि यहाँ का एक बार आप लोगों को मैं थोड़ा इसका टूर करवाऊँगी। तो मैं जैसे कि बताना चाहूँगी गाइस, एक दिन मैं अच्छे से आप लोगों को यहाँ का ट्रैश का भी चीज़ दिखाऊँगी, आप लोगों को भी शायद पसंद आएंगे, बिकॉज़ यहाँ पे गंदे बिल्कुल नहीं रहते हैं, बहुत क्लीन रहते हैं, और बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में यहाँ पे अपने ट्रैश को आपको डंप करना है, जहाँ तहाँ जैसे तैसे नहीं रख सकते, अगर आप जैसे जैसे रखोगे तो फाइन लग जाएंगे। तो आपको मैं एक दिन ट्रैश का भी मैं ब्लॉग बना के आप लोगों को मैं दूंगी, ओके फ्रेंड्स। तो मैं यहाँ पे अपना ब्लॉग एंड कर रही हूँ, ज़्यादा लॉन्ग ब्लॉग्स मैं नहीं बना रही हूँ, क्योंकि लोग बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं, एंड सच बात है बोर नहीं होना चाहिए, छोटा ही कंटेंट रहे बट इंटरेस्टिंग होना चाहिए। तो मैं अपने ब्लॉग यहाँ एंड करती हूँ। अगर आपको मेरे ये ब्लॉग अच्छे लगे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, एंड नोटिफिकेशन बेल ऑन कीजिए, सो दैट अब तक जितना भी न्यू ब्लॉग्स आएंगे आप लोगों को उसके इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे। गुड बाय टू एवरीवन एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। डुगू बाय करो छे, बाय
ओके एंड मम्मा नीड अ किसी, हु विल गिव मी अ किसी? ओह अच्छा ओके ओके सो गाइज ओ ले बाबा डुगू की तरफ से बाय, ठीक है बाय एवरीवन, ठीक बाय एवरीवन।